वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों, दिस इज संतोष श्रीवास्तव फ्रॉम सुपर 16। With common errors, most important common errors given in our CESAR 2019, जो 2019 के CESAR में common errors दी जा रही हैं या आगे दी जा सकते हैं, उन्हीं के level पे ये बनाया हुआ पूरा segment है आपका सबसे अधिक important questions में CESAR 2019 के लिए common errors। प्रैक्टिस सेट्स ले आना था, लेकिन ये मन में आया कि एक एक सेगमेंट में ऐसे इस समय एग्जाम्स के थ्रू मैं आपको प्रिपेयर करा लूं, ताकि ये चीजें आपके एग्जाम्स में आगे तुरंत में आगे काम आ जाए। आज मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं, जो आज का पेपर हुआ है, जो उसमें वर्ड्स दिए गए हैं, जो कॉमन एरर्स दिए गए हैं, जो इडियम्स दिए गए हैं, उनको मैं एनालाइज करूंगा कि किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही है और इंग्लिश में किस तरीके के वर्ड्स वो आपको दे रहे हैं, अर्थात वो वर्ड्स ऐसे हैं जो आउट ऑफ योर रीच है या फिर विद इन योर रीच है, अर्थात इजी आ रहे हैं या टफ आ रहे हैं। तो उनपे मैं आज एक और वीडियो बनाऊंगा, जो आज से कल तक आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। आज हम शुरू करते हैं एक ऐसा सेक्शन जो कल से ही, जो बच्चे कल से पेपर दें उन बच्चों के हर हाल में काम आएगा यदि आप इसे तैयार करें, जो आगे आप देखेंगे यहां से है। ये हर एक चीज को मिला करके बनाया गया और केवल वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में दिए गए हैं या आगे दिए जाएंगे, केवल वही क्वेश्चन है। तो हर एक सेगमेंट से आपको दिया गया है, इसलिए आप इसका जबरदस्त फायदा ले सकते हैं, मजबूती के साथ आप आगे बेहतर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन है आपका, जो आप देख रहे होंगे कि द रेट लिखा है, द रेट ऑफ, है ना, द रेट ऑफ ग्रोविंग मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल बट ओल्ड एज स्पेयर्स नन नो एयर। क्या लग रहा है आपको, द रेट ऑफ ग्रोविंग जो है वो सही है या गलत है, या मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल सही है या गलत है, बट लेकिन ओल्ड एज स्पेयर्स नन, लेकिन जो ओल्ड एज होती है वो किसी को भी नहीं बख्शती, किसी को भी छोड़ती नहीं। क्या एरर यहां पे है, द रेट ऑफ ग्रोविंग या फिर मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल बट ओल्ड एज स्पेयर्स नन, क्या चीज एरर में ले सकते हैं आप, कौन सा सेक्शन है आप? देखिए, आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर यहां डिफरेंट के साथ फार नहीं होगा, फ्रॉम हो जाएगा, लेकिन ये तब आप करते हैं जब आप किसी से किसी को डिफरेंट दिखाते हैं, तब आपको करना होता है। यहां वो चीज नहीं कंपैरिजन है कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम यू या ही इज डिफरेंट फ्रॉम मी, ये यहां तक नहीं आपका है। ये डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग के सेंस में, ये फॉर यहां पर सही आपका है। समझ में आ रहा है कुछ? द रेट ऑफ ग्रोविंग, बढ़ने की यानी विकास का जो रेट है, बढ़ने की जो गति है, मे बी डिफरेंट, वो अलग अलग हो सकता है फॉर डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों के लिए, बट लेकिन ओल्ड एज स्पेयर्स नन, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जिसे वृद्धावस्था का सामना नहीं करना पड़ता है, जिसे वृद्धावस्था छोड़ती हो। क्या गलत है? अगर आप ध्यान देखेंगे, ये जो द रेट ऑफ ग्रोविंग है ये गलत है। आप द रेट ऑफ ग्रोविंग नहीं होगा, जब आप द रेट ऑफ ले रहे हैं तो ऑफ के बाद आपको नाउन चाहिए। आप कहना चाहते हैं विकसित होने, यानी बढ़ने की जो गति है, तो हमारा जो विकास होता है, जो बढ़ने की गति होती है, वो ग्रोविंग नहीं होती, वो क्या होती है, ग्रोथ होती है। यानी आप ग्रोविंग नहीं यूज करेंगे, आप ग्रोथ यूज करेंगे, यानी ये होगा आपका ग्रोथ। तो जहां पे द रेट ऑफ ग्रोविंग है वहां पे द रेट ऑफ ग्रोथ हो जाएगा, यानी आपका ए पोर्शन गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, बोले क्या गलत है इसमें। एज सून एज ही सा हिज मदर ही रैन टू हर एंड एम्ब्रेस्ड हर। क्या गलत है, एज सून एज ही सा हिज मदर, जैसे उसने अपनी मां को देखा, ही रैन टू हर
वो उनके पास दौड़ कर गया और लिपट गया। क्या गलत है इसमें? ध्यान से देखेंगे आप समझ जाएंगे। एज सून एज सही है, यहां पे अगर एज सूनर एज होता तो वो गलत होता। तो एज सून एज ही सा हिज मदर सही है, एज सून एज के साथ पास्ट इंडेफिनिट आपने यूज किया है। ही सा हिज मदर सही है, ही रैन टू हर सही है, एंड एम्ब्रेस और आलिंगन ले लिया, उन्हें हग कर लिया अपनी मां को। क्या गलत लग रहा है आपको? और ऐसा क्वेश्चन बहुत आपके एग्जाम में आपको दिया जाएगा। ये जो नो एरर के बारे में अगर आप सोच रहे होंगे कि नो एरर है, तो ऐसा है नहीं, इसमें एरर है। आप वो एरर है, ये जो इम्ब्रेशर है यहां पे, इस इम्ब्रेशर के बाद आपको प्रोनाउन लेना होगा हर। क्यों लेना होगा? क्योंकि एज सून एज ही सा हिज मदर, जैसे ही उसने अपनी मां को देखा, ही रैन टू हर, वो उनके पास दौड़ कर गया, एंड एम्ब्रेस्ड और लिपट गया। नाउ इट इज नॉट क्लियर किससे लिपट गया, तो आपको प्रोनाउन लेना होगा एंड एम्ब्रेस्ड हर, और उनसे लिपट गया वो, तो एम्ब्रेस्ड के बाद हर लेना होगा। जैसे मान लीजिए है, आई वॉन्टेड टू हेल्प, किसकी मदद करना चाहते हैं आप? तो जिसकी मदद आप करना चाह रहे हैं वो प्रोनाउन दे वहां पे आप। वैसे यहां भी हो जाएगा, एज सून एज ही सा हिज मदर ही रैन टू हर एंड एम्ब्रेस्ड हर हो जाएगा यहां पे, यानी एम्ब्रेस के बाद आपको प्रोनाउन लेना होगा आपको। ये सेकंड क्वेश्चन था आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है सामने आपके। अ मैन एंटर्ड द टैवर्न, टैवर्न समझते होंगे जो सराय होता है उसको कहते हैं आप। अ मैन एंटर्ड द टैवर्न यानी एक आदमी सराय में घुसा, एंड आस्क्ड फॉर सम ब्रेड एंड चीज, और ब्रेड और चीज उसने मांगा, विद अ डिसाइडेड फॉरेन एक्सेंट, और उसकी जो बोलने की शैली थी वो निश्चित ही फॉरेन एक्सेंट यानी विदेशी एक्सेंट में वो बोल रहा था। क्या गलत? A man entered the tavern, यहां पे गलत है, या and asked for some bread and cheese, यहां पे गलत है, या with a decided foreign accent, यहां पे गलत है। मेरी बात पर आप भरोसा करें, just believe me, अगर ये क्वेश्चन सारे जो 30 के आसपास मैंने दिए हैं अगर आप कर लेते हैं, आपका जबरदस्त आपको फायदा होना है, just believe me। क्या गलत है यहां? A man entered the tavern and asked for some bread and cheese with a decided foreign accent. तो समझ में आ रहा है आपको? गलत, कहां गलत? A man entered the tavern, ये सही है, and asked for, जब आप कोई चीज मांगते हैं तो ask for लेते हैं, and asked for some bread and cheese, सही, bread भी सही है, cheese भी सही है, with a decided foreign accent, चूंकि अ यहां से लगा क्योंकि आप singular noun ले रहे हैं, तो with a decided foreign accent सही है। क्या गलत है इसमें? ये शब्द accent क्या है? Noun है। Accent के पहले foreign क्या है? Adjective, और adjective के पहले adjective नहीं आएगा, past participle नहीं आएगा, adverb आएगा। जब adjective के पहले adverb आएगा तो जो decided है वो डिसाइडेडली हो जाएगा, यानी डिसाइडेड में EDLY जोड़िए, डिसाइडेडली यानी LY जोड़िए, तो जाएगा डिसाइडेडली फॉरेन एक्सेंट हो जाएगा। यानी अ मैन एंटर्ड द टैवर्न एंड आस्क्ड फॉर सम ब्रेड एंड चीज विद अ डिसाइडेड फॉरेन एक्सेंट के स्थान पे, ये जो आपने डिसाइडेड लिया, ये डिसाइडेड आपका डिसाइडेडली है, क्योंकि नाउन के पहले एडजेक्टिव यानी यह नाउन है एक्सेंट, ये फॉरेन आपका एडजेक्टिव है, तो इसके पहले क्या होगा? एडवर्ब आएगा, डिसाइडेडली हो जाएगा, यानी सी पोर्शन में आपके एरर है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है आपके सामने पांचवा प्रश्न आ गया हमारे सामने। ही अल्टीमेटली डिसाइड, उसने अंततः निर्णय किया, टू विलिंगली एंड चीयरफुली एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंट्रस्टेड टू हिम,
देख लें क्या गलत है। कुछ लग रहा है आपको कहीं पे? ही अल्टीमेटली डिसाइडेड, सही, टू विलिंगली एंड चीयरफुली एक्सेप्ट। एक्चुअली ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार टू के बाद एडवर्ब नहीं आना चाहिए एक्सेप्ट के पहले, वर्ब के पहले। बट जो मॉडर्न ग्रामर है या जो कहीं कहीं थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी वाला ग्रामर है, उसमें टू और वर्ब के बाद, टू और वर्ब के बीच में आप एडवर्ब्स यूज करते हैं। ट्रेडिशनल ग्रामर में इसे स्प्लिट इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं, बट ये अब सही माना जाता है। तो ही अल्टीमेटली डिसाइडेड टू विलिंगली एंड चीयरफुली एक्सेप्ट, यहां गलत नहीं, ध्यान रखिएगा, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंट्रस्टेड टू हिम। क्या गलत? कोई एरर नहीं, ये वाक्य जो है आपका ही अल्टीमेटली डिसाइडेड सही है, टू विलिंगली एंड चीयरफुली एक्सेप्ट सही है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी सही है, इंट्रस्टेड के साथ टू का प्रयोग आप करते हैं, इंट्रस्टेड टू हिम, यानी ये हिम भी यहां पर सही है, यानी इस वाक्य में भी कोई एरर नहीं है, नो एरर है आपका, यानी सही आपका है। छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन। चैलेंजिंग है चीजें आपके लिए, अगर इस लेवल पे आप हैं तो आप सीजन में बिल्कुल बेहतर कर सकते हैं आप जी। सिक्स्थ क्वेश्चन देखें, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर, वी सॉ द ट्रीज, हमने पेड़ों को देखा, टॉसिंग इन द विंड, हवा में टॉस करते हुए ऊपर की तरफ उठते हुए, एंड और हर्ड द वेव्स, और हमने लहरों को सुना, क्रैशिंग विद द रॉक्स, रॉक्स से यानी चट्टानों से क्रैश करते हुए, टकराते हुए, आना चाहिए आप। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर, वी सॉ द ट्रीज, हमने पेड़ों को देखा, क्या करते हुए देखा, टॉसिंग इन द विंड, यानी हवा में ऊपर की तरफ उठते हुए लहराते हुए, एंड और हियर द वेव्स, और हमने लहरों को सुना, क्रैशिंग विद द रॉक्स। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आपको दिया गया और आगे भी दिया जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपका पोर्शन है, कौन सा पोर्शन, क्रैशिंग विद द रॉक्स है ये पोर्शन, जब वो रॉक्स से टकरा रहे थे तो रॉक्स के खिलाफ आके वो टकरा रहे, तो क्रैश विद द रॉक्स नहीं होगा, क्रैश अगेंस्ट द रॉक्स होगा। क्या होगा? क्रैश अगेंस्ट द रॉक्स, कोलाइड अगेंस्ट द रॉक्स, यानी यहां जो विद आपने लिया वो विद नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अगेंस्ट हो जाएगा, यहां आपका एरर पॉइंट सी हो जाएगा, यानी ऑल डे लॉन्ग वे सॉ द ट्रीज सही है, टॉसिंग इन द विंड सही है, एंड हियर द वेव्स क्रैशिंग विद द रॉक्स, यानी क्रैशिंग विद द रॉक्स नहीं होगा, क्रैशिंग अगेंस्ट द रॉक्स हो जाएगा, प्रीपोजिशन से संबंधित एरर है आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। ये क्वेश्चन है, द डाउनफॉल ऑफ दिस काइंड इज टू बी एट्रीब्यूटेड टू नथिंग एल्स देन प्राइड। द डाउनफॉल, डाउनफॉल मीन्स पतन होता है, द डाउनफॉल ऑफ दिस काइंड, इस प्रकार का जो पतन है, इज टू बी अट्रीब्यूटेड टू नथिंग एल्स देन प्राइड, किस चीज को इसका कारण ठहराया जा सकता है, किसी और चीज को नहीं, केवल और केवल प्राइड यानी घमंड को इसका कारण ठहराया जा सकता है। द डाउनफॉल ऑफ दिस काइंड बिल्कुल सही है, इज टू बी अट्रीब्यूटेड, मैंने कहा था इज टू है, बी है, तो हर हाल में वर्ब के थर्ड फॉर्म है, यानी पैसिव का स्ट्रक्चर रहेगा, तो इस भी यहां पे सही है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, डाउनफॉल है। द डाउनफॉल ऑफ दिस काइंड इज टू बी अट्रीब्यूटेड सही है, टू एट्रीब्यूटेड टू होता है, जिस चीज को हम कारण बताते हैं ठहराते हैं, एट्रीब्यूट टू होता है, तो एट्रीब्यूटेड टू नथिंग एल्स, किसी और चीज को नहीं ठहरा सकते हैं, देन प्राइड, किसकी अपेक्षा, प्राइड की अपेक्षा। क्या गलत लग रहा है आपको, कौन सा पोर्शन है जो आपको लग रहा है कि यहां पे गलत हो सकता है?
द डाउनफॉल ऑफ दिस काइंड टू सेल इज टू बी अट्रीब्यूटेड भी सेल टू नथिंग एल्स भी सेल है। ये जो आप डैन प्राइड ले रहे हैं, ये डैन प्राइड, ये पोर्शन गलत है। क्यों? क्योंकि जैसे आप नथिंग एल्स देखें, नथिंग एल्स के साथ हमेशा बट आता है, यानी जो देन आपने लिखा है यहां देन नहीं होगा, क्या होगा? बट होगा। यहां पे ये आंसर होगा। अगर आप रेदर का प्रयोग करते हैं या अदर का प्रयोग करते हैं, इनके साथ देन आता है, लेकिन अगर आप नथिंग एल्स का एल्स का प्रयोग करते हैं तो इसके साथ कभी देन नहीं आता, क्या आता है? बट आ जाएगा। यानी द डाउनफॉल ऑफ दिस काइंड इज टू बी अट्रीब्यूटेड टू नथिंग एल्स। जैसे आपने नथिंग एल्स देखा तो फिर यहां देन नहीं आएगा, क्या हो जाएगा? बट। तो नथिंग एल्स बट प्राइड हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर यहां पे रेदर या अदर है तो उसका कॉम्बिनेशन देन होता है, लेकिन अगर नथिंग एल्स है उसका कॉम्बिनेशन देन नहीं बट होता है। यानी यहां पे आपकी जो एरर है वो सी पोर्शन में हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न आपका, देयर आर अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे हैं हु लिव इन दिस हॉस्टल, जो इस हॉस्टल में रहते हैं, बट मंगेश इज बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स लिविंग इन दिस रूम। अगर आप एक प्रश्न कर ले रहे हैं, जैसा कि आप इन ज्यादातर बच्चे कर सकते हैं, तो निश्चित ही आपका जो लेवल है वो बेहतर है। मैं फिर कहूंगा, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको सेट करके दिए हैं, ये आपको ये समझाने के लिए भी हैं कि हम किस लेवल पर अपनी प्रिपरेशन करें यदि हम सीजीएल सीएचएसएल जैसे एग्जाम्स को फेस करने चाह रहे। बोलिए क्या गलत? देयर आर अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लिव इन दिस हॉस्टल, जो इस हॉस्टल में रहते हैं, बट मंगेश इज बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, ये मंगेश जो है उन दो बच्चों में बेहतर है, लिविंग इन दिस रूम, जो इस कमरे में लिविंग रह रहे हैं, यानी रहने वाले दो बच्चों में बेहतर है। क्या गलत? आ रहा है कुछ समझ में आपको? अगर आप देखेंगे देयर आर अ नंबर ऑफ, जो आपका है देयर आर अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहां तो कोई गलती नहीं, क्योंकि जब भी आप अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेते हैं, अ नंबर ऑफ लेते हैं, तो उसके बाद कभी सिंगुलर नहीं आता, हमेशा प्लूरल ही आता है। ये जो हु लिव इन दिस हॉस्टल है, ये हु किसके लिए है? अगर आप ये हु देख रहे होंगे, ये किसके लिए है? ये आपके स्टूडेंट्स के लिए है, वो भी सही है। ये जो लिव है आपका वो भी सही है, और इन दिस हॉस्टल भी सही आपका है ना। बट लेकिन मंगेश इज बेटर, लेकिन मंगेश बेहतर है ऑफ द टू स्टूडेंट्स। आपको याद आ रहा है, ये जो आप ऑफ द टू स्टूडेंट्स ले रहे हैं, ये आपसे कुछ कह रहा है, ये ऑफ द टू स्टूडेंट्स कह रहा है कि अगर ऑफ द टू का स्ट्रक्चर है तो आप अपने कंपैरेटिव डिग्री से पहले, यानी ये जो आपका बेटर है, ये पोर्शन आपका क्या होगा? द बेटर हो जाएगा। मैंने पढ़ाया है आपको, और किसी ने भी पढ़ाया होगा, आपको जरूर बताया होगा कि अगर कभी भी आपको ऑफ द टू का स्ट्रक्चर दिया गया है ना, ऑफ द टू का स्ट्रक्चर, अगर ऑफ द टू का स्ट्रक्चर है तो जो कंपैरेटिव डिग्री है वो द, यानी आप ऐसे ले सकते हैं, द बेटर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा द बेटर। क्यों? क्योंकि ये ऑफ द टू का स्ट्रक्चर, याद कर लीजिएगा, ऑफ द टू के स्ट्रक्चर में कंपैरेटिव डिग्री के पहले हमेशा द लगेगा। जैसे आप कहना हो आई एम टॉलर ऑफ द टू बॉयज, गलत है, आई एम टॉलर ऑफ द टू बॉयज नहीं होगा। जैसे मैंने देखा कि ऑफ द टू बॉयज मैंने लिया है, तो आई एम द टॉलर ऑफ द टू बॉयज होगा। जब एक का दूसरे से कंपैरिजन होता तब नहीं लगाते, जैसे हम कहें आई एम टॉलर देन राम, सही है, यहां पे आई एम टॉलर ही होगा। लेकिन जब दो में से एक आते हैं तो वहां पे आपको क्या करना होता है? वहां पे आपको कंपैरेटिव डिग्री के पहले देन लगाना होता है। यानी ये पोर्शन आपका जो सी पोर्शन है वो गलत माना जाएगा, यहां द बेटर हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नवा प्रश्न, when does he come here is not known to anyone living in this house. When does he come here, यानी वो कब आता है, is not known
नहीं पता है टू एनीवन, किसी को भी, लिविंग इन दिस हाउस, इस घर में जो रहते हैं, यानी इस घर में रहने वाले किसी को भी नहीं पता है कि व्हेन डज ही कम हियर, कि वो यहां कब आता है। आनंद जी, आपको अगर आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आता है तो आप इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे यहां पे क्या गलती है। कुछ बच्चे कर रहे हैं, जरूर कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, कि अगर व्हेन डज ही कम हियर के बाद इज नॉट नोन है, तो आप देख रहे होंगे ये व्हेन डज ही कम हियर एक असर्टिव सेंटेंस के रूप में यूज हुआ है। जब ये असर्टिव सेंटेंस के रूप में यूज हुआ है, ये जो व्हेन डज ले रहे हैं ये असर्टिव का स्ट्रक्चर नहीं है, यह इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है। तो यहां व्हेन डज ही कम नहीं होगा, व्हेन ही कम्स हो जाएगा, यानी यहां जो डज है इसे हटा दें, व्हेन ही कम्स हियर हो जाएगा, साधारण वाक्य। यानी ये जो व्हेन डज ही कम हियर है, ये पूरी क्लास के रूप में यहां सब्जेक्ट है। जब ये सब्जेक्ट है तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे होगा, व्हेन ही कम्स हियर, डज हटाएंगे आप तो व्हेन ही कम्स हियर, ये सब्जेक्ट हो गया और ये उसका प्रेडिकेट है, इज नॉट नोन टू एनीवन लिविंग इन दिस हाउस, ये पूरा प्रेडिकेट आपका, यानी ये ए पोर्शन में आपका एरर है। तो ये स्ट्रक्चर का क्वेश्चन दिया गया था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, टेंथ क्वेश्चन पे आ गया लोग। आई नो, मैं जानता हूं दैट की दिस इज अ वेरी कॉस्टली शर्ट, कि बहुत ही महंगा शर्ट है, बट लेकिन आई एम नॉट प्रीफरिंग इट, लेकिन मैं इसे पसंद नहीं कर रहा हूं, मैं इसको वरीयता नहीं दे रहा हूं, एज क्योंकि माय चॉइस इज डिफरेंट, क्योंकि मेरी चॉइस क्या है, अलग है। आना चाहिए आपको, देख लीजिए जल्दी से क्या गलत है। आई नो दैट, मैं जानता हूं दैट दिस इज अ वेरी कॉस्टली शर्ट, के बहुत ही महंगी शर्ट है, बट आई एम नॉट प्रीफरिंग इट, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, एज माय चॉइस इज डिफरेंट, क्योंकि मेरी चॉइस जो है वो अलग है थोड़ी सी। आना चाहिए आपको, ये जो वर्ड प्रीफर है ना, आई एम नॉट प्रीफरिंग, ये पोर्शन जो आपका है, आई एम नॉट प्रीफरिंग, ये बता रहा है कि प्रीफर को आप कंटिन्यूअस में नहीं यूज कर सकते हैं। प्रीफर है, कॉस्ट है, हेट है, लव है, एग्री है, डिसएग्री है, बिलीव है, डिसबिलीव है, अंडरस्टैंड है, बिलोंग है, नो है, ओन है, ये ऐसी वर्ब्स होते हैं जिन्हें आप नॉर्मली कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं यूज करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इन्होंने कौन सा यूज किया, बट आई एम नॉट प्रीफरिंग इट, गलत है, यहां होना चाहिए आई डू नॉट, हो जाएगा आई डू नॉट प्रीफर हो जाएगा, ये हो जाएगा आई डू नॉट प्रीफर, यानी ये जो आप सोच रहे हैं कि प्रीफरिंग सही, वो गलत है, यानी यहां हो गया आपका आंसर। आई नो दैट दिस इज अ वेरी कॉस्टली शर्ट, बट आई एम नॉट प्रीफरिंग इट के बजाय, बट आई डू नॉट प्रीफर इट, पर कंटिन्यूअस दिया है तो आप इंडेफिनिट में आ जाए, तो आई डू नॉट प्रीफर हो जाए। यदि परफेक्ट कंटिन्यूअस होता तो आप परफेक्ट में आते, आई हैव नॉट प्रीफर्ड हो जाता, लेकिन कंटिन्यूअस है इसलिए आई डू नॉट प्रीफर हो जाए, ठीक है, याद रखें, काम आएगा एग्जाम में आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रिपीटेड हो गया, छोड़ देते हैं इसको, वही क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मोस्ट ऑफ द बॉयज, यानी अधिकतर बच्चे आर डेयरिंग, यानी क्या है वो, साहसी, बट लेकिन नो वन डेयर्स टू टेक सच टाइप ऑफ रिस्क, लेकिन कोई भी ऐसा खतरा उठाना नहीं चाहता है। मोस्ट ऑफ द बॉयज, यहां भी गलती दी जा सकती थी, यहां मच ऑफ द बॉयज होता तो भी गलत होता, क्योंकि बॉयज है तो मच नहीं होगा, मोस्ट होगा, और मोस्ट ऑफ द बॉय होता तो भी गलत होता, क्योंकि मोस्ट ऑफ के बाद काउंटेबल प्लूरल नाउन आएगा, तो मोस्ट ऑफ द बॉयज ही होगा, आर सही प्लूरल है, डेयरिंग साहसी ये भी सही आपका है, बट लेकिन नो वन डेयर्स, नो वन सिंगुलर लेंगे, डेयर्स सही है, तो नो वन डेयर्स टू, क्या टू यहां पे सही है क्या, ये आपको समझना है।
ज्यादातर बच्चों का ध्यान यहीं पे जा रहा होगा, नो वन डेयर्स टू टेक सच टाइप ऑफ रिस्क, लेकिन आप जाने यहां कोई भी एरर नहीं। जब डेयर नॉट का प्रयोग होता है एक साथ, तब वहां पे हम वर्ब के पहले टू नहीं लेते, यानी अगर ये डेयर्स जो यहां पे है, अगर ये डेयर्स के बजाय डेयर नॉट होता, जैसे बट कोई वर्ड ले लें, बट रमेश डेयर नॉट, तब यहां पे आप टू नहीं ले सकते था, ठीक है। तो यहां पे तो डेयर्स है, तो डेयर्स मेन वर्ब के रूप में अगर है तो मेन वर्ब के बाद आपको वर्ब के पहले टू लेना होता है। तो यहां हो जाएगा मोस्ट ऑफ द बॉयज आर डेयरिंग, सही है, बट नो वन डेयर्स टू टेक, सही है, सच टाइप ऑफ रिस्क, ये भी सही आपका है, यानी यहां नो एरर हो जाएगा, इस वाक्य में आपकी कोई भी गलती नहीं, डी पोर्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपका आना चाहिए, आपको कर लेंगे आपने ज्यादातर बच्चे। इफ आई हैड टू कार्स, यदि मेरे पास दो कारें होती, आई वुड हैव गिवन वन टू माय ब्रदर, तो एक कार मैं अपने भाई को दे दिया हूं, सही या गलत, सोच देखें। इफ आई हैड टू कार्स, यदि मेरे पास दो कार्स होती तो आई वुड हैव गिवन वन टू माय ब्रदर, तो मैं एक कार अपने भाई को देता। देखिए ये स्ट्रक्चर मान्य है, कुछ बच्चों का तर्क ऐसा होता है या होना चाहिए इफ आई हैड हैड टू कार्स, ऑट लगेगा। यहां हैड का अर्थ पास रखने पे दिया जाता है, जैसे इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड टू कार्स, ये स्ट्रक्चर होता है, तो ये वास्तविकता में आता है। जब ये वास्तविकता में आता है तो दूसरी क्लास में वुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म माने, कोई एरर नहीं, और इससे से माने भी करता है, यानी यहां पे भी आपको नो एरर देना है, न कि एरर देना है। इफ आई हैड हैड टू कार्स से बेहतर है इफ आई हैड टू कार्स, आप इसे इफ आई हैड हैड टू कार्स करने से बचें। एक और प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि सर फिर क्या ये नहीं बेहतर होगा, आई वुड गिव वन टू माई ब्रदर, लेकिन तब ऐसा होगा कि मतलब जैसे वो वास्तविकता में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए यहां पे ये स्ट्रक्चर बेहतर है, आई वुड हैव गिवन, यानी मैंने अपने भाई को एक दे दिया होता, यानी वो सेंस वो वास्तविकता का शो कर रहे हैं, तो बेहतर है आप इस स्ट्रक्चर पे करें कि इफ आई हैड टू कार्स आई वुड हैव गिवन वन टू माई ब्रदर, अलबत्ता इस स्ट्रक्चर के कि इफ आई हैड टू कार्स आई वुड गिव वन टू माई ब्रदर, गलत दोनों नहीं है, बट ये बेहतर है और इससे इसको मानता है, तो नो एरर आपको लेकर के चलना होगा, यानी यहां पर नो एरर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन सही होंगे आपके, ये वो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम्स में नियमित रूप से आपको दिए जाते रहे, और अगर ये सीक्वेंस आप तैयार करें तो आप विश्वास करें पूरा ग्रामर मैं आपके इतने से रिविजन करा लूंगा कि आपकी पोजिशन क्या बन रही है, क्योंकि लास्ट में आप एक सीक्वेंस मिलाइएगा और आप देखेंगे कैसे इन सारे प्रश्नों को सेट करके आपको दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14th प्रश्न आ गया, नोबडी विश, कोई नहीं चाहता था टू लेट द बॉय एंड द गर्ल टू एंटर द रूम, तुरंत आना चाहिए आपको, बिना समय गवाए आना चाहिए। Nobody wished, कोई नहीं चाहता था to let the boy and the girl, सही है, to let wished भी है, let भी verb है, तो टू तो लेना पड़ेगा। Nobody wished to let the boy and the girl to enter the room, जो बच्चे यहां पे टू में कंफ्यूजन होंगे वो बच्चे गलती कर रहे हैं। आपको कंफ्यूजन में कहां होना चाहिए कि यहां पर टू लगेगा कि नहीं, लगेगा कि नहीं, जल्दी बताइए लगेगा कि नहीं। Nobody wished to let the boy and the girl to enter the room, ये टू लगेगा कि नहीं, नहीं लगेगा ना, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आपको let यूज करना है, तो जब let आपने यूज किया है तो जो उसके आगे वर्ब आएगी चाहे वो एक्टिव हो चाहे पैसिव, दोनों जगह हमेशा बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है। क्या करना है, बेयर इन्फिनिटिव, फुल इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब, बेयर इन्फिनिटिव मतलब विदाउट टू प्लस वर्ब, यानी यहां हो जाएगा Nobody wished to let the boy and the girl to हटेगा enter the room, यानी ये जो to है आप इसको काट दे, ये हट जाएगा, let के साथ कभी नहीं लगा। एक्टिव वॉइस में जब आप make का प्रयोग करते हैं उस सेंस में अगली वर्ब में आप फुल इन्फिनेटिव बनाते हैं, see का प्रयोग है, watch का प्रयोग है, एक मिनट
एक्टिव पैसिव जब आप मेक का प्रयोग करते हैं तो इन्फिनिटिव फुल नहीं बनाते, लेकिन पैसिव पैसिव जब आप मेक का प्रयोग करते हैं फुल इन्फिनिटिव आप बनाते हैं। जैसे सी का प्रयोग है, वॉच का प्रयोग है, फेल का प्रयोग है, हियर का प्रयोग है, ये वो वर्ब्स हैं जो वर्ब्स अपने आगे अगर वर्ब ले रहे हैं तो आप एक्टिव पैसिव में टू नहीं लगाते, लेकिन पैसिव पैसिव में आप टू लगाते हैं। लेकिन लेट इकलौती ऐसी वर्ब है जो चाहे एक्टिव लें चाहे पैसिव लें, दोनों में ही आपको बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है, क्योंकि यहां लेट है आपका, ये लेट है ना, ये लेट कह रहा है ये टू का प्रयोग आप नहीं कर सकते, यानी आपका सी पोर्शन आपका एरर हो जाए। चलिए और आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है आपको, ठीक है, अच्छे से देखें आप। एवरीवन न्यू, हर कोई जानता है, जानता था दैट की ही वॉज एबल टू हैंडल द सिचुएशन, कि वह उस सिचुएशन को हैंडल कर सकता था, बट लेकिन नो वन न्यू, कोई नहीं जानता था दैट की ही इज अनेबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ, कि वह खुद पे ही नियंत्रण नहीं कर सकता है। आना चाहिए आपको, सोच देखें क्या एरर है आपकी। एवरीवन न्यू, हर कोई जानता था दैट की ही वॉज एबल टू हैंडल द सिचुएशन, कि वह सिचुएशन को हैंडल करने में समर्थ, बट लेकिन नो वन न्यू दैट ही इज अनेबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ, कोई नहीं जानता तो खुद को ही वो कंट्रोल कर सकता है कि नहीं। एवरीवन न्यू पास्ट है ना, दैट सही है कंजंक्शन, ही वॉज एबल टू हैंडल, सही है वॉज एबल टू, क्योंकि पास्ट है तो वॉज एबल टू हैंडल द सिचुएशन, सही है, बट नो वन न्यू पास्ट है ना, नो वन न्यू दैट ही इज, ये इस क्या कह रहा है, क्या इस यहां जस्टिफाइड है, नहीं है ना, क्योंकि नो वन न्यू वहां पे है ना, नो वन न्यू, जब नो वन न्यू ये पास्ट हो गया तो फिर ये भी क्या होगा, पास्ट हो, नहीं ये जो आपने इस लिया हुआ है ये पोर्शन आपका गलत है, यहां हो जाएगा बाकी हो जाएगा आपका एवरी वन न्यू दैट ही वॉज एबल टू हैंडल द सिचुएशन, सही है, बट लेकिन नो वन न्यू दैट ही इज, ये जो ही इज कह रहा है ये चीख चीख के कह रहा है, यहां ही इज नहीं होगा, क्या होगा, ही वॉच हो जाएगा, यानी यहां भी सी पोर्शन में आपके एरर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और हैं बस, और सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के हिसाब से काम आएंगे। 16th क्वेश्चन है आपका, सो ब्यूटिफुली, इतनी सुंदर तरीके से ही एक्टेड, उसने एक्ट किया बिफोर हिज फादर, अपने पिता के सामने, यानी अपने पिता के सामने इतनी अच्छे तरीके से उसने एक्ट किया दैट की एवरीबडी इन द फैमिली, उसके परिवार में सभी लोग वाज सरप्राइज्ड, क्या थे, आश्चर्यचकित थे, जो वाज है सही है, क्योंकि एवरीबडी को आप नॉर्मली सिंगुलर मानते हैं, क्वेश्चन टैग में आप प्लूरल मानते हैं, तो सो ब्यूटिफुली ही एक्टेड, उसने कार्य किया, इतने अच्छे तरीके से उसने अपने पिता के सामने अभिनय किया या एक्ट किया जो भी समझ लें, बिफोर हिज फादर हो गया, That he, everybody in the family, सही है, was surprised, सही, was के बाद के थर्ड फॉर्म यानी passive voice, क्या गलत आपको लग रहा है, तुरंत आना चाहिए, अगर आपने मेहनत किया है तो तुरंत आना चाहिए आपको, जैसे ही आपने so beautifully वाक्य के आरंभ में देखा तुरंत समझ जाए कि जब so plus adverb of manner दिया गया होता है तो आपको पहले helping verb लेनी होगी, partial inversion करना होगा, यानी जो एक्टेड है ये बाद में है, ही जो है ही के पहले आपको ये लेना होगा, डिड, क्या लेना होगा, डिड, यानी ये डिड हो जाएगा, तो सो ब्यूटिफुली डिड ही, और जब डिड लेंगे ये जो ईडी है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो हो जाएगा आपका आंसर सो ब्यूटिफुली डिड ही एक्ट हो जाएगा, यानी ये पोर्शन आपका गलत है, ही एक्टेड, यहां पर डिड ही एक्ट होगा। जब भी आपके वाक्य के आरंभ में हार्डली हो, स्कैर्सली हो, रेयरली हो, बेयरली हो, नो सूनर हो, सो प्लस कोई एडवर्ब ऑफ मैनर हो, वनली प्लस कोई एडवर्बियल हो, स्पेशली टाइम वगैरह के सेंस में, और भी जो वर्ड्स हैं, नेवर हो, नो हो, नॉट हो, लिटिल हो, सेल्डम हो, अगर ये वाक्य के आरंभ में आ रहे हैं तो आप तुरंत समझ जाए इनके तुरंत बाद क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आने चाहिए, क्योंकि पार्शियल इन्वर्जन हो रहा है। तो जैसे आपने सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर देखा,
so beautifully, so nicely, so clearly, so rapidly, so fast. जितने भी adverb of manner हैं, तुरंत इनके बाद आप helping verb लीजिएगा, तो so beautifully, did he act होगा, a portion में आपका error है. आगे बढ़ते हैं, 17th question पे आ गए हम लोग, और ये बहुत फायदेमंद होने वाला है आपकी लाइफ में, आपके एग्जाम्स के लिए. चलिए, these men dare not take such type of risk, do they? These men dare not take such type of risk. यानी जो लोग हैं इस तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, नहीं ले सकते हैं या रखने का साहस नहीं रखते हैं. Do they? क्या ऐसा है? क्या गलत है? आपकी सबसे पहली निगाह आपके क्वेश्चन टैग पे जानी चाहिए. जानी चाहिए ये जो डू दे आपका है, ये पोर्शन आप देखें सही की गलत. आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है? दीज मेन डेयर नॉट, है ना? ये आपकी हेल्पिंग वर्ब. अगर डेयर नॉट आपकी हेल्पिंग वर्ब है तो डू दे कैसे होगा? जहां डू है वहां क्या हो जाएगा? डेयर हो जाएगा. हो जाएगा ना? ये हो जाएगा डेयर. यानी डेयर दे होगा, डेयरन भी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी डेयर नॉट नेगेटिव होता है, क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा. यानी आपका आंसर हो गया दीज मेन डेयर नॉट टेक सच टाइप ऑफ रिस्क. डेयर दे यानी डू हटाइए और क्या जोड़िए? डेयर दे हो जाए. चलिए 18th क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं, 18 नंबर. आई बिलीव दैट He is running shortly of money, so he cannot help us. जो भी बच्चे इस समय मेरे बैच ज्वाइन किए होंगे, वो इनवर्जन पढ़ रहे होंगे या फिर पॉजिटिव वर्ब पढ़ रहे होंगे, कंडीशनल पढ़े उन्होंने, जो भी सब उनके काम आएंगे. सारे बच्चे, जो बच्चे मेरे इलाहाबाद में पढ़े या पहले पढ़े, उन बच्चों के भी ये सब काम आएंगे. तो ध्यान से देखें, हमको बताएं क्या एरर है यहां पे. आई बिलीव, मुझे विश्वास है दैट ही इज रनिंग शॉर्टली ऑफ मनी, कि उसके पैसे कम हो रहे हैं. सो ही कैन नॉट हेल्प अस, इसलिए वो हमारी मदद नहीं कर सकता है. सोच के देखें, कर लेंगे आप. विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी. जिस दिन आपने अपने ऊपर विश्वास कर लिया, उस दिन सीजियर, सीएचएसएल, एमटीएस या कोई भी एग्जाम, हर एग्जाम आपके लिए क्या होगा? इजी होगा आपके लिए. ठीक है, पहले वो बिलीव करना सीखें. देखें आप, आई बिलीव, मेरा विश्वास है दैट ही इज रनिंग. ये रनिंग किस सेंस में है? ये रनिंग आपके दौड़ने के सेंस में नहीं, ये रनिंग होने के सेंस में है. तो आई बिलीव दैट ही इज रनिंग शॉर्टली ऑफ मनी, यानी मेरा विश्वास है कि उसके पैसे कम हो रहे हैं. जब रन का प्रयोग, कम का प्रयोग, गो का प्रयोग, टर्न का प्रयोग, फॉल का प्रयोग, ग्रो का प्रयोग, गेट का प्रयोग आप किस सेंस में करते हो? इंपोएटिव सेंस में करते हो, होने के सेंस में करते हो रन वगैरह का प्रयोग. तो होने के सेंस में इनके बाद कभी भी एडवर्ब नहीं आएगा, एडजेक्टिव आएगा. तो ही इज रनिंग शॉर्टली ऑफ मनी नहीं होगा, ही इज रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी हो जाएगा. यानी यहां शॉर्टली एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव चाहिए, रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी. ओके, याद ले काम आएगा. कम, गो, फॉल, रन, टर्न, ग्रो, गेट, इनके साथ अगर होने का भाव है इनके बाद एडजेक्टिव लीजिएगा, एडवर्ब नहीं लीजिएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19वें पे आ गए हम. द मैनेजमेंट डिड नॉट सेलेक्ट हिम, यानी मैनेजमेंट ने उसे सेलेक्ट नहीं किया, एज क्योंकि ही वॉज नॉट एलिजिबल टू द पोस्ट, क्योंकि वह उस पोस्ट के काबिल नहीं था, योग्य नहीं था. बहुत इजी है, तुरंत आना चाहिए आपको. जो भी बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे उन्हें याद आ जाए. फिर से देख लें जल्दी से, द मैनेजमेंट डिड नॉट सेलेक्ट हिम, मैनेजमेंट ने उसे सेलेक्ट नहीं किया, एस क्यों नहीं सेलेक्ट किया? क्योंकि ही वॉज नॉट एलिजिबल, क्योंकि वो योग्य नहीं था, वो डिजर्व नहीं करता था टू द पोस्ट, उस पोस्ट को. क्या करें? आसान है ना, कुछ बच्चे कर रहे हैं, निश्चित ही आप कर सकते हैं. देखें, ये जो एलिजिबल है, जब आप किसी चीज के योग्य होते हैं तो आप उस चीज के लिए योग्य होते हैं. जो एलिजिबल है
उसके साथ ये 2 जो है ये हटा दीजिए, इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, एलिजिबल फॉर होता है आपका। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, द मैनेजमेंट डिड नॉट सेलेक्ट हिम एज ही वाज नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट होगा ना, टू द पोस्ट होगा। आसान है लेकिन बहुत बार आपके एग्जाम में आपको दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये 20वां प्रश्न हमारा सामने हमारे सामने आने वाला है। लेट्स ट्राई, ही गेव देम नो मनी नॉर ही डिड हेल्प देम इन एनी वे। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं ये मैंने आर एस अग्रवाल या एम ए पब्लिकेशन जो किताबें हैं वहां से मैंने चूज करके दिए, एक सीक्वेंस में आपको दिए हैं हर उस तरीके से ताकि आपका टोटल रिवीजन हो जाए, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन आर्टिकल सेंटेंस टेंस मॉडल्स कंडीशनल पॉजिटिव सीक्वेंस ऑफ टेंस इनकोएटिव क्वेश्चन टैग और इनवर्जन, पूरा सेगमेंट मैंने यहां क्लियर किया है। अगर आप मिलाएंगे तो आप मिल जाएगा, शुरू से जाइएगा नाउन से शुरू करिएगा और देखिएगा कैसे कैसे मैंने सेट किया कि आपकी पोजीशन क्या बन रही है हर एक सेगमेंट में। चलिए बोले यहां पे क्या गलत है, ही गेट देम नो मनी नॉर ही डिड नॉर ही डिड, सही है क्या? जब पहला क्लॉज आपकी ही गेट देम नो मनी नेगेटिव है और नार से आप जोड़ रहे हैं तो आप इन्वर्जन कर रहे होते हैं, तो यहां नार के पास सीधे प्रोनाउन नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, नार डिड ही हो जाएगा, हेल्प देम इन एनी वे हो जाएगा, यानी ही गेव देम नो मनी नार, जैसे बीच में आपने नार देखा तो आप तुरंत समझ जाए हेल्पिंग वर्ब, वैसे भी आप समझ रहे हो हमारे पास दो सब्जेक्ट्स नहीं है, यहां पर ही जो है वो एक ही वर्ड है, जबकि हमारे पास वर्ब्स दो है, एक में गेव है और एक में क्या है हेल्प, इन्वर्जन वर्ब के साथ करना है, जबकि नार आपने किसके बाद लगाया उसके बाद क्या लगाया ही, तो यहां ना या तो ही गेव देम नो मनी ही नार हेल्प देम आप लेते, लेकिन ऐसा है नहीं, नार पहले आ गया तो हेल्पिंग वर्ब को पहले कर ले, नार डिड ही हेल्प देम इन एनी वे हो जाए, यानी यहां पर आपकी जो एरर पॉइंट है वो आपका बी पोर्शन में। चलिए तीन चार क्वेश्चन और हैं। 21st आंसर, सम ऑफ द डिवोटीज प्रोस्ट्रेट ऑन द स्टेप्स आर द फ्लोर इन फ्रंट ऑफ द आइडल। बढ़िया क्वेश्चन है, आना चाहिए आपको। सम ऑफ द डिवोटीज यानी उन भक्तों में से कुछ ऐसे भक्त थे प्रोस्ट्रेट ऑन द स्टेप्स, जो स्टेप्स में आप इस सीन है यानी जो सीढ़ियों पर प्रोस्ट्रेट यानी साष्टांग लेट गए, आर द फ्लोर या फर्श पर लेट गए इन फ्रंट ऑफ द आइडोल, कहां उस मूर्ति के सामने। ये ऐसा क्वेश्चन है जो चैलेंजिंग होता है बहुत बार, ज्यादातर बच्चे इस रूल को नहीं जान पाते हैं, जबकि ये रूल आपका प्रोनाउन से संबंधित है, अगर आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा जो बच्चे पढ़े हो। सम ऑफ द डिवोटेड सही है, प्रोस्ट्रेट जैसे आप प्रोस्ट्रेट देखते हो, जैसे आप रिजाइन देखते हो, जैसे आप इंजॉय देखते हो, जैसे आप अवेल देखते हो, जैसे आप बिजी देखते हो, जैसे आप प्राइड देखते हो, जैसे कॉन्डक्ट देखते हो, जैसे आप एडजस्ट देखते हो, जैसे आप एक्लिमेटाइज देखते हो, जैसे आप एक्मोडेट देखते हो, ये वो वर्ब्स हैं, जैसे आप अक्विट देखते हो, जैसे आप रिकनशाइल देखते हो, ये वो वर्ब्स हैं जिनके तुरंत बाद अगर आप कोई प्रीपोजिशन देखें न कि कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखें तो तुरंत समझ जाए कि इनके बाद आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, कहां से पूरा होगा, वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पूरा होगा। तो सम ऑफ द डिवोटीज प्रोस्ट्रेट देमसेल्व्स हो जाए, हो जाएगा ना, सम ऑफ द डिवोटीज प्रोस्ट्रेट देमसेल्व्स ऑन द स्टेप्स हो जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करिएगा, काम आएगा आपके प्रोनाउन में, ये आपको मिलेगा। चलिए 22 पे हम लोग आ गए हैं, द हिंदी एंड द मराठी यानी द हिंदी एंड द मराठी आर सही, द हिंदी एंड द मराठी दो भाषाएं हैं तो आर होगा। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज, डिफरेंट के बाद फॉर्म्स है सही, क्योंकि दो है तो डिफरेंट फॉर्म्स सही, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज विच वर वंस स्पोकन, जो कभी बोली जाती थी
इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के सभी भागों में। अगर आपने मेहनत किया होगा तो आप समझ रहे होंगे कहां पे एरर है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे शेयर करते जाएं, बताते जाएं बच्चों को, मेरी भी हेल्प होगी और उन बच्चों की भी हेल्प होगी जो बच्चे इस तरीके की चीजें ऐसे पा सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। मैं नहीं करवाऊंगा, वो इसके बिना आप नहीं चल सकते हैं, बट ये आपके लिए एड एक प्रकार की एक सहायता है, एक सपोर्ट है जो आप चाहें तो इसका लाभ ले सकते हैं। जो भी बच्चे खाली रहे इस समय 8-9 बजे के आसपास, वो बच्चे इसे जरूर तैयार करें। आज से ये 9 बजे से हो गया, 9 से 10 ये अब आपको दिया जाएगा। 1 घंटा आप समय दीजिए करीब, तो आपका जबरदस्त फायदा होगा आपका, ठीक है। चलिए बोले क्या गलत है। द हिंदी एंड द मराठी आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज विच रिलेटिव प्रोनाउन जिसके बगल में होता है उसके अनुसार काम करता है। ये विच जो आपका है ये किसके बगल में है, ये संस्कृत लैंग्वेज के बगल में है ना। ये संस्कृत लैंग्वेज के लिए आपने विच लिया है, अगर आपने संस्कृत लैंग्वेज के लिए विच लिया है तो संस्कृत लैंग्वेज तो एक ही है ना, तो फिर यहां पे वर कैसे होगा, क्या हो जाएगा, वाच हो जाएगा। समझ गए होंगे अब आप, सेंटेंस हो जाएगा द हिंदी एंड द मराठी आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज। वो संस्कृत लैंग्वेज जो, यानी विच जो, तो विच जब लैंग्वेज के लिए है या वर नहीं, क्या यूज कर लीजिए, वाच यूज करिए। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज है आपका, रूल है आपका। चलिए आगे बढ़े और 23वें क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। आई कॉर्डियसली आस्क्ड, कॉर्डियसली मीन्स विनम्रतापूर्वक, शिष्टतापूर्वक। आई कॉर्डियसली आस्क्ड हिम, मैंने विनम्रतापूर्वक उससे पूछा, वेयर वाज ही गोइंग, कि वो कहां जा रहा है, बट लेकिन ही डिड नॉट रिप्लाई, लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया। आई कॉर्डियसली आस्क्ड हिम, मैंने उससे शिष्टतापूर्वक विनम्रतापूर्वक पूछा, वेयर वॉज ही गोइंग, समझाया कुछ, वेयर वॉज ही गोइंग, वेयर के बाद वॉज कैसे आ जाएगा साधारण वाक्य में, फुल स्टॉप है। देखे साधारण वाक्य वेयर ही वॉज गोइंग होगा ना, अगर आप नरेशन डायरेक्ट नेट थोड़ा बहुत भी समझते होंगे तो आई कॉर्टियसली आस्क्ड हिम, बट डब्ल्यू एच लिया आपने, फिर आपको सब्जेक्ट लेना होगा, तो आई कॉर्टियसली आस्क्ड हिम वेयर He was going to check. ऐसे questions आपको तुरंत आने चाहिए, देखते याद आना चाहिए आपको। चलिए second last question पे हम लोग आ गए हैं। ये आपके सामने है। For 24th question, everyone felt, हर किसी ने महसूस किया that कि the big glittering diamond, वो बड़ा सा चमकता हुआ जो diamond है, was most unique, वो सबसे अनुपम है, अद्वितीय है, असाधारण है। क्या गलत है, आ रहा है समझ में आपको, बहुत आसान है। जब टीचर्स ने आपको पहली बार एडजेक्टिव पढ़ाया होगा तब भी आपको याद आया होगा, क्या याद आया होगा, याद आया भाई, क्या याद आया होगा, कि कभी भी अगर यूनिक का प्रयोग है, कभी भी अगर आपको राउंड का प्रयोग है, कभी भी रॉन्ग का प्रयोग है, कभी भी राइट का प्रयोग है, कभी सुप्रीम का प्रयोग है, यूनिक भी उसी में आता है, कभी भी सर्कुलर का प्रयोग है, कभी भी ट्रायंगुलर का प्रयोग है, कभी रेक्टेंगुलर का प्रयोग है, ये वो वर्ड्स हैं, कभी चीफ का प्रयोग है, ये वो वर्ड्स हैं, वो एडजेक्टिव्स हैं, वो नाउन्स हैं, जिनके साथ आपको सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करना होता है। तो यूनिक वो एडजेक्टिव है जिसके पहले आप मोस्ट या मोर का प्रयोग न करें, यानी ये पोर्शन जो है वो सही है, लेकिन ये मोस्ट गलत है। तो जब मोस्ट हटाएंगे ना, तो इसके पहले एक ऑर्डिकल ले लीजिए ए, तो पूरा वाक्य क्या हो जाएगा आपका, एवरीवन फेल्ट दैट द बिग ग्लिटरिंग डायमंड वाज यूनिक। यहां तो ए भी लेने की आवश्यकता नहीं, काट दीजिएगा ए की आवश्यकता नहीं, क्यों, क्योंकि यूनिक के बाद हमने कोई नाउन तो लिया नहीं है, और एडजेक्टिव के पहले आप क्या नहीं ले सकते, आप ए ले नहीं सकते हैं, यानी ऑलरेडी ये वाक्य आपका हो जाएगा, एवरीवन फेल्ट दैट द बिग ग्लिटरिंग डायमंड वाज यूनिक ही कुछ। और ये लास्ट क्वेश्चन आपका आ गया, 25th क्वेश्चन आपका लास्ट। माय होस्ट सफर फ्रॉम द इल्यूजन दैट आई वाज अ पॉलिटिकल लीडर। होस्ट समझते होंगे, होस्ट मींस मेजबान। माई होस्ट सफर, मेरे मेजबान को ये परेशानी थी
फ्रॉम द इल्यूजन, इस भ्रम से, यानी मेरे होस्ट को ये इल्यूजन परेशान कर रहा था दैट कि आई वॉज अ पोलिटिकल लीडर, कि मैं एक पोलिटिकल लीडर हूं, राजनीतिक नेता हूं। अगर आप ये बता लेंगे तो आप बहुत अच्छे होंगे, आप बताएं जल्दी, साबित करें कि आप अच्छे हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको आए हुए एग्जाम्स में आए हुए सेंटेंसेस में से दिया है, तो निश्चित ही आगे इसका आपको फायदा मिलेगा। ये जो 25 क्वेश्चंस मैंने करके दिए आपको, ये उन्हीं 25 क्वेश्चंस के बदले में है जो आज मैं प्रैक्टिस सेट में कराता। मेहनत उतनी, चीजें उतनी, पर आपका फायदा दोगुना आपका है, जिसमें आपको जबरदस्त यूज में आपके ये सारे सेंटेंसेस आ सकते हैं। क्या गलत है यहां? गलत है माय होस्ट सफर, नहीं सही, फ्रॉम द इल्यूजन, ये इल्यूजन गलत है। इल्यूजन क्या होता है? जैसे कोई चीज आप देख रहे हैं और आपको उसको देख करके भ्रम हो रहा है। जैसे मान ली मैंने किसी लड़के को देखा और मैंने देखा कि आई हैव ऑलरेडी सीन हिम, मैंने मुझे लगा कि मैंने इसे पहले कहीं देखा है, ये मेरा इल्यूजन। जो देखने से विजन से संबंधित भ्रम होता है वो इल्यूजन होता है, लेकिन जो भावनात्मक इल्यूजन होता है वो इल्यूजन नहीं, वो इल्यूजन का बड़ा भाई डेल्यूजन होता है। यानी जो आपकी फीलिंग्स से संबंधित भ्रम है, वो फीलिंग्स से संबंधित भ्रम आपका इल्यूजन नहीं है, क्या है? डेल्यूजन। ये पहली बार आप सुन रहे हैं। आंखों का जो भ्रम है वो क्या हमारा है? इल्यूजन। जैसे हम जो देख रहे हैं वो वही नहीं होकर कोई और, ये इल्यूजन। लेकिन जो फीलिंग्स का भ्रम हमारा होता है वो हमारा डेल्यूजन होता है, और कोई चीज जो हो ही नहीं हमारे सामने उपस्थित हो जाए वो क्या है? हेलुसिनेशन, यही ना। तो यहां जो आपने डेल्यूजन यूज किया है, ये एल्यूजन यूज किया है, इसके स्थान पे डेल्यूजन हो जाएगा, यानी सेंटेंस आपका हो जाएगा माय होस्ट सफर्ड फ्रॉम द डेल्यूजन दैट आई वाज अ पॉलिटिकल लीडर। चलिए प्रयास है मेरा, जो कॉमन एरर्स संबंधित आपके भ्रम होते हैं, एक क्या होता है आपका डेल्यूजन होता है, यानी फीलिंग्स में भ्रम होता है, वो दूर करें आप। और अगर आप इसे फिर से देखेंगे आपको पता है क्या मिलेगा? पहला क्वेश्चन मेरा नाउन का था, दूसरा क्वेश्चन प्रोनाउन का था, तीसरा एडजेक्टिव का था, चौथा वर्ब का था, पांचवा एडवर्ब का था, छठवां आपका प्रीपोजिशन का था, सातवां कंजंक्शन का था, आठवां आर्टिकल का था, इसके आगे नवा सेंटेंस स्ट्रक्चर का था, दसवां आपका टेंस का था, ग्यारहवां मॉडल्स का था, बारहवां कंडीशनल का होगा, तेरहवां पॉजिटिव का होगा, चौदहवां सीक्वेंस ऑफ टेंस का होगा, फिर क्वेश्चन टैग होगा, इन्वर्जन होगा। ये बिल्कुल सीक्वेंस में मैंने आपको दिया। तो अगर आप ये सारे पोर्शन तैयार करना चाहते हैं तो फिर इन सारे 25 क्वेश्चन को तैयार करिएगा। ये सारे क्वेश्चन मैंने आर एस अग्रवाल या अन्य किताबों से मिलाकर दिए हैं, बस सीक्वेंस में दिए आपको, बस ये एहसास दिलाने के लिए कि क्या ये सारे पोर्शन आपके प्रिपेयर हैं। जिन बच्चों ने 25 में 22 20 21 किया होगा वो निश्चित ही बच्चे अच्छे होंगे, जो 25 के होंगे वो तो जीनियस होंगे, जो बच्चे 15 के आसपास में होंगे वो बच्चे और मेहनत करें, और जो बच्चे 10 से 15 में होंगे उन्हें कहना होगा उन्हें अभी और भी सेगमेंट्स अपने सारे क्या करने होंगे, प्रिपेयर करने होंगे। चलिए कल फिर से मैं 9 बजे आपके सामने रहूंगा और फिर से इसी तरीके कोई नई चीज या प्रैक्टिस सेट लेके मैं रहूंगा। मैं फिर बता दूंगा आज के शिफ्ट में जो वर्ड्स जो चीजें दी गई आपकी सीजन प्री में आपको ईयर वन में, वो सब मैं एनालाइज करूंगा। उस वीडियो को जरूर देखें कि किस तरीके के वर्ड्स किस तरीके के क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, और देख करके आपको निश्चित ही विश्वास होगा कि आप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं आप। ओके, गुड नाइट।